हेलो एवरीवन, अभी आप लोग देख रहे हैं डाइफेनबेकिया प्लान। इसको दो अलग नाम से भी जाना जाता है, एक है दामकेन एंड है और एक है मदर इन लॉ स्टांग। ये कि पॉइजनस प्लान है, लेकिन बहुत लोग इसको घर के अंदर रखते हैं क्योंकि इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। और ये एक टॉप मोस्ट टॉप इंडोर प्लान है। इसको लगाने में आपको अगर आप स्पेशल केयर रखोगे और ग्लोव्स लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्पेशल केयर रखें कि इसका कोई भी हिस्सा आपके आँख या फिर मुंह के अंदर ना जाए। और इसके साथ काम करने के बाद आप अपना हाथ अच्छी तरह से धो ले। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। कोई इसको तो आप बोलते ही है कि जीरो मेंटेनेंस प्लान है, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। अगर पानी नहीं दोगे फिर भी ये ग्रो करता रहेगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए। 2 महीने के बाद, दो एक दो महीने के बाद आप पानी दे सकते हैं। हमने इसको कटिंग से ही लगाया हुआ था, एक दोस्त के वहाँ से हमने लेके आया था एक शाखा, उसी से ये ग्रो कर रहा है। अभी मेरे पास बहुत सारा हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके पत्ते के बीच में, हरा पत्ता का बीच में ये येलो येलो से भी है। ये देखिए, दो फिर से दो निकल के आया हुआ है, दो और पौधा होगा मेरा, ये ब्रांच से ही हो रहा है अभी ग्रोइंग। तो इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले भी बोला कि आप केयर रखिए कि कोई भी इसका हिस्सा आप छूकर अच्छी तरह से हाथ धो लें या फिर आपके आँख में चला ना जाए, मुंह के अंदर चला ना जाए। मदर इन लॉ स्टांग इसे इसलिए बोलते हैं या दामकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अगर मुंह में चला गया तो आपका बोलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ये प्लान से। तो डरने का भी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर हाथ धोगे तो कोई बुरा नहीं होगा। और ये एयर प्योरीफायर का काम करता है, तो इसलिए इसका अच्छा बुरा दोनों साइड है। तो लगाने से आप एक बार सोच लीजिए कि आपको अगर घर में बच्चे हैं तो इसको मत ही लगाइए, क्योंकि आपको तो पता है लेकिन उसको पता नहीं, वो भी हो सकता है। तो इसलिए तो अगर घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो मत लगाइए इस प्लान को। और बाकी कोई नहीं, इतना ही। थैंक यू।